हेलो यस, आज मैं पालक जुमरा बना रही हूँ। इसके लिए मेरे पास है अंडे, पालक, धनिया, मिर्ची, लहसुन, जिंजर गार्लिक, क्रश चिल्ली, नमक और टमाटर। मेरे पास 5 अंडे हैं, मैंने इनको बॉईल किया हुआ है। बॉईल करके मैं इनको थोड़ा सा लाइट सा फ्राई करूंगी। मेरे पास पालक है 1.5 kg, मैंने इनको बॉईल कैसे किया हुआ, इनको पहले मैंने वॉश बॉइलिंग वाटर में मैंने इनको डाला और एक बॉईल दी। उसके बाद मैं एकदम इसको ठंडे पानी से धो लिया। इसको ऐसा होता है जी, अगर इसमें कोई आयरन है, किसी को आयरन की प्रॉब्लम है, जब आप इसको बॉईल करोगे, बॉईल के बाद इसका पानी गिरा दोगे, 2-3 बार धो लोगे, इसका जो तकरीबन आयरन वहां से चला जाएगा। मेरे पास लहसुन है जिनको मैंने बीट करना है, धनिया और मिर्ची है। इसमें रेड पाउडर मिर्ची नहीं पड़ती, हल्दी नहीं पड़ती, मसाला कोई नहीं पड़ता है। सबसे पहले मैं अंडों को फ्राई करूंगी। पालक को मैं मिक्सी में ग्राइंड करूंगी, ठीक ब्रीक करूंगी, मैं आपको बता दूंगी। तब मैंने ऑयल रखा हुआ, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ, मैं आपको बताती रहती हूँ। मैं तकरीबन मेरी डिशेज में हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही लगता है। मैंने वो रखा, देखिए मैं चेक कर रही हूँ उसको, 1/2 कप मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ। अब मैंने ऐसे ब्रीक करना है अंडों को। बस इसमें डाल दूंगी, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, जब पालक डालोगे तो उसी के साथ इसको ये देखिए मेरे अंडे फ्राई हो गए। बस मैंने एक मिनट फ्राई करने हैं इनको। मेरा ऑयल जिसमें अंडे बनाए थे जी, मैंने फ्राई किए थे, वही ऑयल है। मेरे पास 1.5 गुट्ठी मेरे पास लहसुन थी, इसमें लहसुन ज्यादा पड़ता है क्योंकि प्याज नहीं पड़ता, लहसुन और अदरक पड़ती है इसमें, वो मैंने डाल दिया। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं इसको, इसका कच्चापन चला जाए तो बस मैं इसके बाद ये डालूंगी। अब देखिए मैं इसमें, ये देखिए ऐसा हो गया है, पूरा फ्राई नहीं कर, लाल नहीं करना इसको। बस अब मैं इसमें धनिया और मिर्ची की पेस्ट डाल दूंगी। वन टेबल स्पून क्रश मैं मिर्ची डाल दूंगी। नमक में डाल दिया 1 टेबल स्पून डालिए। थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए तो मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मेरे पास 4 टमाटर थे, अगर आप ज्यादा खाते हो आप 5 भी डाल सकते हो, इसका टेस्ट ही इसमें अच्छा आता है, मैं वो डाल दूंगी। थोड़ी देर में इसको कवर देके रखूंगी सिम पे। देखिए थोड़ा सा ऑयल सेपरेट हो रहा है, पालक के साथ ही फ्राई करेंगे इसको। बस इसको मैं अब हाई पे थोड़ी देर रखूंगी, फिर मैं सिम कर लूंगी इसको 10 मिनट के लिए। जितनी देर इसका ऑयल सेपरेट होगा, मैं इसको ऑयल तो सेपरेट हो गया मगर फिर भी मैं अभी थोड़ी देर इसको फ्राई करूंगी और हाई पे ही करूंगी, मगर पहले मैं इसमें अंडे डाल दूंगी। ये देखिए मैं अब इसको 10 मिनट और रखूंगी उसके बाद। हाँ जी, ये तो होगी फ्राई, पानी थोड़ा सा डाल दूंगी। ग्रेवी तो इसमें होती नहीं, मैं थोड़ी सी सेमी ग्रेवी बनाऊंगी, मैं आपको बताती रहूंगी। बस मैंने अब कवर करके रखना है। इसको चाबी लाई का थोड़ा सिम करके लाई, क्योंकि इसकी जो छिट्टे हैं वो मुंह पे आती हैं। मेरी डिश तैयार हो गई थी, अब बस मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये देखिए बस इतनी ग्रेवी होनी चाहिए, सेमी ग्रेवी। ये देखिए, अगर आप इसको क्रीमी भी बनाना चाहते हो तो फिर इसमें आप दूध भी थोड़ा डाल सकते हैं 1/2 कप जब ये बन रहा होता है,
तो आप मैं मलाई भी डाल सकती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सी मलाई डाली है आपको दिखाने के लिए, आप मलाई भी डाल सकते हो। ये बहुत टेस्टी बनता है, आप जरूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स लिखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए।